हेलो स्टूडेंट्स, जीके चैप्टर 9 मैचलेस एनिमल्स। चलिए पहले हेडिंग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एनिमल्स वर द फर्स्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ, यानी कि जानवर पृथ्वी पर पहले जीव थे। दे हैव डिस्टिनेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। उनकी कुछ विशेष विशेषता हैं जो उन्हें अन्य जीवित प्राणियों से अलग बनाती हैं। लुक एट द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। यहाँ पर कुछ दिए हुए नीचे क्लूज, उनकी हेल्प से एनिमल्स के नेम आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है द हेवीएस्ट इंसेक्ट। ओके, तो क्या है वो? गोलियथ बीटल, ठीक है, या गोलाइथ बीटल। ये एक अफ्रीकी चमगादड़ है। ओके, जो कि काले कलर का होता है। तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे गोलाइथ बीटल। स्पेलिंग्स क्लूज दिए हुए नीचे, उनमें से फिल करेंगे। नेक्स्ट द बिगेस्ट कार्निवोर। कार्निवोर यानी कि मांसाहारी। तो सबसे बिगेस्ट कार्निवोर कौन है? पोलर बियर। फिल कीजिए। इसे ध्रुवीय बाघ भालू बोलते हैं। थर्ड द स्मॉलेस्ट मंकी, सबसे छोटा मंकी कौन सा है? पिग्मी मार्मोसेट। ओके, फोर्थ द लार्जेस्ट शार्क वेल शार्क। फिफ्थ द फास्टेस्ट बर्ड, तेज। ओके, कौन है? पेरेग्रीन फाल्कोन। ये एक विदेशी बाज है। सिक्स्थ नंबर पर द लार्जेस्ट कैट, सेरिबियन टाइगर। ओके, सेवेंथ देखेंगे द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। ओके, सबसे छोटी बर्ड। और द लार्जेस्ट लिजार्ड, कोमोडो ड्रैगन। द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, म्यूट स्वान। ओके, देखिए अभी ये दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? शार्क्स आर द ओनली एनिमल्स दैट नेवर गेट सिक, दे आर इम्यून टू ऑल डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। यानी कि शार्क एक ऐसा एनिमल है जिसे कभी कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है। ये सभी बीमारियों से सुरक्षित रहती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 10 इन द गार्डन। ओके, व्हेन यू गो अबाउट इन ए गार्डन यू सी मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स। जब आप एक गार्डन में जाते हो तो आपको कई पेड़ और पौधे दिखाई देते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स, वे मनुष्य के लिए बहुत यूजफुल हैं। वुड यू लाइक टू नो अबाउट डिफरेंट प्लांट्स, क्या आप डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जानना चाहेंगे? तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? नीम। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्री विच कैन बी सीन ऑन रोड साइड। इट लीव्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सोप, फेस क्रीम्स एंड अदर मेडिसिंस। सॉफ्ट ट्विग्स आर यूज्ड टू क्लीन द टीथ। देखिए ये एक ऐसा पेड़ है ना, कौन सा? नीम।
जो कि कहीं भी देख सकते हैं, रोड साइड पर भी। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, सोप, फेस क्रीम और जो मेडिसिन्स बनती हैं वो भी, ठीक है। और इसकी जो सॉफ्ट ट्विग्स होती हैं यानी कि टहनियाँ, वो अपने टीथ साफ करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखिए मेहंदी, इट इज यूजली यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। द पाउडर इज यूज्ड टू डेकोरेट द हैंड्स एंड फीट। इट ऑल्सो हैज ए कूलिंग इफेक्ट एंड अदर मेडिसिन क्वालिटीज। जो मेहंदी होती है ना, वो एक पाउडर फॉर्म में रहती है, ठीक है। इसका पाउडर आता है और इसका पाउडर हाथों को और पैरों को डेकोरेट करने में काम आता है। मेहंदी लगाते हैं, यस। और ये ठंडी भी होती है और इसमें और मेडिसिन क्वालिटीज भी होती हैं। नेक्स्ट यूकलिप्टस, यूकलिप्टस, इट्स लीव्स आर बर्न टू रिपेल मॉस्किटोज। इट्स ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर पेंट एंड वेनिश। देखिए इसकी जो पत्तियां होती है ना, उन्हें मच्छरों को पीछे हटाने या भगाने के लिए जलाया जाता है। और इसका तेल होता है उसे पेंट को बनाने के लिए भी, और पेंट को साफ यानी कि वेनिश करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सीसम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्री इज इट्स ट्रंक विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटीज फर्नीचर। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, इसकी ट्रंक यानी कि तना, जो काय के लिए काम आता है, अच्छी क्वालिटीज का फर्नीचर बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बैम्बू, इट्स वुड इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पेपर्स, लेडर्स एंड सम फर्नीचर। इसकी जो लकड़ी होती है ना, वुड, वो क्या पेपर्स और लेडर्स बनाने में यूजफुल होती है, काम आती है, और इससे फर्नीचर भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके नीचे मैचिंग्स दी हुई हैं, देखिए मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है यूकलिप्टस, तो देखेंगे ऊपर पॉइंट्स देखेंगे कि इस कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला, यूज्ड टू प्रिपेयर ऑयल एंड वेनिश। ओके तो फर्स्ट को डी से मैच करेंगे। सेकंड देखेंगे बैम्बू, ई, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर्स एंड फर्नीचर्स। ये सारे पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं ऊपर, उसमें से देखेंगे फिर फिल करेंगे। तो फर्स्ट को डी से, सेकंड को ई से मैच करेंगे। थर्ड सीसम, सीसम को बी से, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटीज फर्नीचर। फोर्थ नीम, नीम को ए से मैच करेंगे, ए वेरी यूजफुल मेडिसिनल ट्री। और लास्ट फिफ्थ मेहंदी, इसको सी से, इट डाई यूज्ड टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट। क्लियर?